खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। कड़ाके की ठंड से राहत के लिए ग्राम पंचायत पठारी सरपंच देवेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा स्थानीय पंचायत भवन, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, फार्म चौराहा सहित सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई। शीतलहर के कारण सर्द हवा चलने से लोग ठंड की चपेट में आने लगे हैं। कुल मिलाकर ठंड से पूरी तरह आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों एवं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, देखने को मिल रहा है। मंगलवार को पूरे दिन कोहरे व ठंड से लोग अपने घरों में दुबके रहे। तापमान में लगातार गिरावट की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने खाने वालों को देखनी पड़ रही है। वे लोग ठंड की वजह से काम पर नहीं जा सके। लोग सड़कों व गलियों में पेपर और टुकड़ा कार्टून, टूटी फूटी लकड़ी को जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सर्द हवाओं के कारण दिन भर लोग परेशान रहे। शाम होते होते शीतलहर का असर और अधिक नजर आने लगा। लगातार कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड के चलते मंगलवार को भी शाम के समय बाजारों से रौनक गायब रही। इसके अलावा भी लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत की कोशिश करते रहे। शीतलहर का प्रकोप को देखते हुए हमारा साथी पत्रकार भाई नेत्राम साहू ने हमें सुझाव दिया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, जगह जगह गांव में ड्रोनों की व्यवस्था की जाए। मैंने पंचायत की तरफ से गांव में जगह जगह ड्रोनों की व्यवस्था कर दी ताकि लोग ठंड से बच सकें। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील पठारी से नेत्राम साहू की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।